सोना आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें बिल्कुल इंतजार नहीं था। बट ये दिन आते आते मैंने रियलाइज किया कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आई रियली लव यू। नाटक नाटक करते करते कब तुमसे प्यार हो गया समझ नहीं आया रॉकी। तुम इस सोसाइटी के, तुम तो पूरे यूनिवर्स की खूबसूरत लड़की हो मिस यूनिवर्स। आज तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। आई लव यू टू रॉकी। क्या बात है, लगा नहीं था शर्वरी की सगाई के लिए मान जाएगी। आखिरकार शर्वरी बहन की हो गई सगाई, कब तक कुंवारी फिरेगी बेचारी। मैं तो शर्वरी और रॉकी के लिए बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी अभिजीत के साथ होकर, अभी जाने दो। अच्छा वो फुसके के साथ नहीं हुआ, मुझे वो फुसका बम बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम मेरे साथ चलोगी फॉरेन। ना फॉरेन भी लेके जा रहे हो शादी से पहले? मैं शादी के लिए वापस लेके आऊंगा एक दो महीने में, बट पहले तुमको फॉरेन घुमाऊंगा। इट्स ब्यूटीफुल, मैं तुमको बहुत मिस करूंगी। इनको भी लेके जाओ। बाबुल की दुआएं लेती जा, तू वापस कभी मत आ। शर्वरी फुसके की शक्ल देखने लायक है। फुसके बुरा सपना देख लिया? साला सपने में भी सगाई आने लगी। बुरा सपना देखा जैनिब? वैसे भी आज का दिन बुरा सपने से कम थोड़ी है। क्या बात है ललिता, आज तुम्हारे इंग्लिश गाने बंद है? इच्छा नहीं आज मेरी इंग्लिश गाने गाने की। लगता है मोहतरमा खपा है। क्यों आप दूसरों की लव स्टोरी में विलन बन रहे हो? अरे क्या मिलने का आपको ये सब करके? उनके रिश्ते नहीं तोड़ रहा, उल्टा रिश्ते और मजबूत कर रहा हूँ मैं। पर बच्चों की इच्छा नहीं है ना भी एंगेजमेंट करने की है। उनको करने दीजिए उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पीरियड एंजॉय। आपने भी किया ना 2 साल। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पीरियड कुछ भी बोलती है। अखबारों में चिट्ठियां भेजते थे मुझे, उनकी तो अभी शुरुआत ही हुई है। नहीं आपसे वो देखा नहीं जाता, सगाई कर देनी है, जल्दी से जल्दी रिश्ते में बांध देना है। ललिता ये देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ एकदम बराबर कर रहा हूँ। मैं नहीं मानती। तुम मानो या मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ससुर जी आपकी चाय। हाँ मैंने आपको जो कल नंबर दिए थे आपने फोन किए, सबके घर वालों को क्या बोले? की मैंने सबसे बात की, तुम्हारे चाय का इंतजार कर रहा था, सोचा चाय की चुस्की लेते लेते तुमको बताओ। हाँ क्या बताओ सुन भाई, क्या क्या कहा उनके घर वालों ने। पहले तो बहुत गुस्सा हो गए, कुछ लोगों ने तो डांटा भी मुझे, पर बाद में मैंने उनको समझा दिया और सब राजी भी हो गए, सब मान गए। हाँ सब बहुत खुश हुए। वो बोलने लगे वैसे भी हमारे बच्चे तो घर आते नहीं, सोसाइटी उनकी फैमिली है और आप फैमिली जैसी हो, आप सगाई कर दो, शादी के लिए आ जाएंगे हम। रघु भाई इसका ये अर्थ है आज सोसाइटी में सगाई होगी क्यों? हाँ अरे क्या आज कैसे कर सकते हम सगाई? सगाई तो आज ही होगी। पंडित जी को आपने कॉल किया था, आ रहे ना वो आज? आ रहे पंडित जी आ रहे। उनसे बात की इसके बारे में? नहीं नहीं मैंने इसके बारे में उनको कुछ नहीं बताया, वो मुझसे ऐसे ही मिलने आने वाले थे तो सोचा यह बात भी उनसे आमने सामने की जाए। क्या ऐसी बातें फोन पे अच्छा नहीं लगता? हाँ बराबर है तुमसे, ऐसी बातें फोन पे अच्छी नहीं लगती, आमने सामने अच्छा लगता है। तुम जाओ दोनों जोड़ियों को न्योता दे दो, घर बुलाओ अपने। बराबर मैं उनको बुलाती हूँ। ससुर माँ आप कॉफी लेंगी? नाराज हो क्यों? संभाल के सुन भाई। इतना बुब्बरा जैसा मुंह क्यों फुलाया है? मुंह टेढ़ा मत करो बुब्बरा फट जाएगा। आ गया बुब्बरे का बेटा कद्दू। क्या क्या इतना मुंह क्यों फुलाया माँ बेटे ने? तुम्हारे पेट में क्यों दुखता है हा? अच्छे कामों में तुम सबके पेट में दुखता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पापा, क्या जरूरत है आपको सगाई उगाई करने की लोगों की? तेरे पापा ने पूरी सोसाइटी का ठेका ले रखा है, चले दूसरों की सगाई करने, खुद की शादी ठीक से संभली नहीं। क्या क्या बोले, क्या क्या बोले? मैंने कहा अब तक मेरा दिया हुआ प्रॉमिस आपने पूरा किया नहीं। अमेरिका जाने वाला? जाएंगे अमेरिका। कब जाएंगे? अगले जन्म में अमेरिका जाती है। शर्वरी जी, जैनी क्या हुआ, धमाका हो गया क्या, आवाज क्यों दे रहे हो उनको? नहीं अभी होगा रुक जरा,
जेनी क्या हुआ दीदी? एक मिनट शर्वरी जी, क्या हुआ शर्मिला जी? तुम अभिजीत को लेके और तुम रॉकी को लेके हमारे घर आओ, श्रेया के दादी ने बुलाया है। आते आते हम आते 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 पंडित जी अभी आती होंगे, लगता है पंडित जी आ गए। देखो पूछ कर। हाँ कुलकन्याप्पा है, कुलकन्याप्पा। नमस्ते नमस्ते शर्मिला। नमस्ते, आई आई ससुर जी, आई ससुर जी पंडित जी आ गए। नमस्ते ललिता जी। हेलो कुलकर्णीअप्पा। आई आई कुलकर्णीअप्पा नमस्ते। शशिबेन ओ शशिबेन, क्या हुआ सुमित्रा बेन? पंडित जी आ गए, चलो चलते हैं। आगे क्या? आगे आती हूँ, गैस बंद करके आती हूँ। असुमा ओसुमा चलो पंडित जी आ गए। रुको रुको हमारे बदाम रख के आते। हाँ रुक तो, घूंघट डाल ले, अच्छा नहीं लगता वो। सासुमा खुद चलो मोरनी बन क्या? क्या बोली? मोरनी बन क्या? ओके सर मेरा बेन। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। सासुमा इधर मत बैठो आप, घर चलो उसको देखते हैं हम। आइए तो श्रीबेन बैठे, मैंने आपकी जगह पकड़ ली थी। थैंक यू सुमित्रा बेन फॉर द सीट, हम दोनों पास पास ही अच्छे लगते हैं, बातें एकदम मस्त मस्त करते। मैनर्सलेस है कोई, इतना मैनर्सलेस कैसा हो सकता है? अच्छे तो लग रहे ना? हाँ दिख रही हो अच्छे। इम्प्रेशन पढ़ना चाहिए ना तेरा। को क्यों पढ़ने इम्प्रेशन, शादी की उम्र नहीं है तुम्हारी, बहू आ गई है, साथी बैठी है तो चुनरी। अभिजीत चलो जाना है उनके घर, पंडित जी आ गए शायद, हंस भी लिया करो। हंसने के लिए हमें किसी ने छोड़ा है? आई नो बट हम उनके सामने जाके सच बोल देते हैं। श्रेया के दादाजी के आगे मुश्किल है। मैंने तुमको पहले ही बोला था, इसमें फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। जोया क्या जोया? आप जोया कुछ नहीं कर सकते, जितना मुझसे हो सका मैंने किया। रॉकी चलो, बहुत बुरे फंसे हम। श्रेया की दादी ने मुझे भी बुलाया है, अगर इन्होंने सच नहीं बताया तो मैं ही बता दूंगी, पर इनके रिश्ते नहीं टूटने दूंगी। सुशबेन ये वही है जिन्होंने हमारी शादी की? यही है मेरी जिंदगी के गुनहगार। बाबू वैवाहिक जीवन कुशल मंगल चल रहा है ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे चल रहे हैं। बच्चे कहाँ है? बच्चे दोनों एक स्कूल में गया है, एक कॉलेज में गई है। आपके आशीर्वाद से हो गया हमारी शादी, और मैं चाहती हूँ आप ऐसी दो शादियाँ और करो। ये देखिए कुलकर्णी अप्पा, आज मेरे पास आपके लिए एक और काम है। सोसाइटी में दो जोड़ी है और आज हम चाहते हैं दोनों की सगाई हो। करते करते चारों के घर वालों से बात हो गई है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, और उनके घर वाले बोल रहे थे आप सोसाइटी उनकी फैमिली जैसी हो, आप कर दो सगाई, शादी के लिए आ जाएंगे हम। उन सबके बस कुंडली मुझे दे दो। सुन भाई कुंडली कुंडली है, कुंडली नहीं होते शादी कैंसिल। कोई बात नहीं, जन्म तारीख पूछ लेता हूँ, उस हिसाब से कुंडली बना दूंगा उनकी। हाँ वो तो पूछ लेंगे हम उनसे। श्रेया की दादी आओ आओ। सोया डार्लिंग, इसको मैंने बुलाया था, बिन बुलाई नहीं है या। हेलो आओ छोटी, दामाद जी कहाँ है? दीदी कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ये पहली जोड़ी आ गए, देखो ये जो है ना ये फॉरेन से है और ये अभिजीत इंडिया से, तो ये दोनों एक जोड़ी और दूसरी अभी आती होगी। कहीं दूसरी जोड़ी भागना चाहे। अभिजीत जरा साइड आओ ना, इधर आ गया। रॉकी आ जाओ, ये कोलकाता से है, कोलकाता की बारबी डॉल, और ये फॉरेन से, ये थोड़ा अलग ही है इनका। श्री आके दादाजी आपने पंडित जी को क्यों बुलाया है? अभी तक मैंने उनको बताया नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ एक मिनट। सुन भाई। हाँ आप कीजिए एक बार उनसे बात। हाँ तो मैं तुम चारों से स्पेशली बात करना चाहता हूँ। बात क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम चारों को, आज तुम्हारी सगाई होने वाली है। अरे बाबा बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम चारों के सोसाइटी में बहुत पर निकल आए। हाँ चिट्टियाँ खेलते हो, दमशेराज खेलते हो, क्या क्या करते हो, मेरे आंखों को बहुत अच्छा लगा ये। मैंने सोचा क्यों ना इनकी शादी की जाए।
आपने हमारी फैमिली के बिना ऐसा कैसे डिसीजन लिया? ऐसा नहीं लेना चाहिए ना, कुछ बोलो चारों तुम भी। घर वालों की चिंता मत करो, तुम सबके घर वालों को मैंने कॉल करके उनसे परमिशन ले ली है। हाँ, मेरे पापा ने परमिशन दे दी। मेरे पापा भी मान गए सगाई के लिए। ऐसे कैसे परमिशन दे दी? पर क्यों नहीं देंगे, वैसे भी वो चाहती थी तुम्हारी शादी हो जाए, तुमने उनको मना कर दिया, उनको अभी खुशी हो रही होगी तुमने लफड़ा कर दिया। मैं मम्मी मान गई। जेनी तेरी माँ भी बहुत खुश थी। एक मिनट आओ, चारों कपल के ऊपर से मैं 10 रुपए उतार के डालती। ब्रांडेड के 10 रुपए देखो। क्या बोल रहे? सुमित्रा 10 रुपए नहीं देते, 11 रुपए देते हैं। 101, 1001, 501 ऐसा होता है। तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं होगा। 10 रुपए से काम चला लो, 5 तुम रखना। क्या खाओगे 5 का? डरे बोले कैडबरी लाओ, एक तुम लो, 4 आते उसमें। तुम भी दो लेना। तो आज ही ये देखियो, पंडित जी भी आ गए, अभी अच्छा सा मुहूर्त बताएंगे, आज ही सगाई कर देते हैं। रुकिए, ये सगाई नहीं कर सकती मैं क्या रॉकी भी नहीं कर सकता। या मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहता हूँ एंगेजमेंट, मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लिखना है, अभी ये नहीं। अरे वाह, अब तुमको अपने अपने करियर याद आने लगे। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है अभी। दरअसल हमने रॉकी बता दो तुम। एक्चुअली ये मेरा ही प्लान था, मैं ईश्वर के पास गया था इसको लेके। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने इसको फोर्स किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा करो ताकि हम जेनी को जला सके। आई एम सॉरी जेनी। जेनी का और मेरा भी नाटक ही था ससुर जी। ये तो नाटक था। सुन भाई, मुझे भी पता था ये नाटक है, तो फिर मुझे नंबर लाने के लिए क्यों बोला आपने? वो तो जानबूझ के, ताकि इन्हें सच में डर लग जाए। इंसान डर में सच बोल देता है, वही हुआ उनके साथ भी, बोल दिया सच। प्यार क्या खेल है जो तुम ऐसा खेलते हो उसके साथ? आ गया सच। क्या शर्वरी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अरे प्यार शब्द में कितनी ताकत होती है पता है? और तुम चारों उसका ऐसा अनादर कर रहे थे, सोसाइटी में ऐसा एक दूसरे को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा कुछ नहीं सोचा, शुरू कर दिया लफड़े। ये तो प्यार का पंचनामा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम चारों को। सुमित्रा जी, कितना झूठ बोलोगी आप। ए जोया, रुकिए जरा, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब मैंने जेनी को मना किया तब आपने उसको बुलाया और उसके साथ प्लान किया। भौरिया कहाँ बोल रही है? अब क्यों मुँह छुपा रही हो आप? ये लो। शशि बहन, हम तो बस जेनी रॉकी को एक साथ देखना चाहते थे। पर उसके लिए तुमने ये रास्ता चुना, जलन का, ईर्ष्या का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। श्रेया के दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। श्रेया के दादाजी, माफ कर दीजिए हमें। पर सगाई तो आज होके रहेगी। किसकी? जेनी और रॉकी की। वाह हुरी बाबा, जेनी तुम आ जा रही थे। वेस्टर्न अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। अभी से मार खाने लगा, शादी के बाद तो क्या होगा? क्या बोला आपने श्रेया के पापा? कुछ नहीं, कांग्रेचुलेशन, इनकी सगाई आज ही होगी। पर आज इस सगाई के से इतना जल्दी? चलो ठीक है, इनको थोड़ा एंजॉय करने का टाइम देते हैं। सगाई का मुहूर्त अगला कौन सा अच्छा रहेगा? 21 दिसंबर को। 21? चलो ये अच्छा है, 2-3 दिन मिल रहे अभी। तालियां हो जाए रॉकी और जेनी के लिए, नई नवेली जोड़ी। और 10 रुपए ले लो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जेनी रॉकी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, शुभेच्छा तुम्हारा पण। शुभेच्छा। कल संडे 18 दिसंबर, हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आने वाला क्योंकि कल है मेंटेनेंस ब्रेक। मंडे से पिछले बार गलती हो गया था, मंडे से आपको फिर से एक बार न्यू वीडियोस देखने को मिलेंगे।